कचहरी स्थित आईएमएम के जिला कार्यालय पर प्रदेश सचिव आईएमएम अमान अख्तर की अगुवाई में पूरी जिला इकाई ने कांग्रेस में किया विलय। इस अवसर पर लगभग 25 आईएमएम के जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने प्रदेश चेयरमैन अल्पसंख्यक कांग्रेस शहनवाज आलम के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आलम चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पार्टी, आज ये किस तरह का सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया है और क्या किस पार्टी के में आप समाहित हुए हैं? एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए जिले के तमाम पदाधिकारियों ने आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में भरोसा जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और उनको सदस्यता दिलवाने के लिए आज मैं यहाँ आया। कितने लोगों ने लिया होगा आज यहाँ पर? के जो भी पदाधिकारी जिले के थे, एक दर्जन के आसपास, सारे लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और उनके आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। क्या इससे सन 2022 में जो चुनाव मजबूती मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। दूसरी बात कि जो तमाम और भी बहुत सारे लोग हैं जो एमआईएम से, पीस पार्टी से या इस तरह की पार्टियों से जुड़े हुए हैं आसपास के ज़िलों में, वो लोग भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अपनी आस्था जाहिर करते हुए वो भी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। इससे पार्टी मजबूत होगी और 2022 के चुनाव में इसका असर भी आपको दिखेगा। फिर आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम रखा था? और आज बनारस में हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश चेयरमैन जी के नेतृत्व में, आस्था और प्रियंका जी की नीतियों और अजय कुमार लल्लू जी के संघर्ष में अपनी सहमति प्रदान करते हुए बनारस के एआईएम के जिला इकाई ने, एक तरह से हम कह दें कि उन्होंने अपना विलय कांग्रेस में करा लिया है तो यह सुखी नहीं होगी। पूरे साथियों का स्वागत है, उनको पूरे मान सम्मान, उनके संघर्षों को सलाम करते हुए, यहाँ बनारस के संगठन को मजबूती करने में उनका योगदान लेते हुए हम लोग यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करेंगे और एक मजबूत संगठन। और खास करके कल देश के प्रधानमंत्री जी का जो देश के बंटवारे की नीति में बांट करके अपनी राजनीति चमकाए हुए हैं, उनके आने के पहले आज इन साथियों ने जो आस्था हमारे परिवार में दिखाई है, एक बड़ा संदेश देने का काम किया है इनके माध्यम से ओवैसी जी को भी और मोदी जी को। या फिर कहेंगे कृपा शंकर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन वाला फिगर है? कृपा शंकर सिंह जैसे लोग राजनीति के, मैं कहूँ जहाँ तक छोटी मुँह बड़ी बात हूँ कि ये लोग राजनीति के लाइजनर हैं और कांग्रेस में और सत्ता के साथ ये लोग बने रहना चाहते हैं। इन लोग जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे और कांग्रेस इनको संरक्षित करती थी। आज जब जरूरत इनके परिश्रम की, श्रम की कांग्रेस को थी तो ये लोग भाग खड़े हुए जा करके जो कांग्रेस के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उस विचारधारा के साथ जुड़ गए। लेकिन इनका फिर आरोप है कि लगभग मैं 7 से 8 बार सोनिया गांधी से फिर मिलने फिर गया लेकिन आप फिर हमको मिले नहीं। यह पूरी महाराष्ट्र में ताकत कांग्रेस के ये लोग थे, चेहरे ये लोग थे, पूरी पार्टी की स्थिति के जिम्मेदार ये लोग हैं, उसके बावजूद तो बहानेबाजी है। उनको भागना था, भाग खड़े हुए, लेकिन ऐसे लोगों के जाने से हम लोग की सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग दिन रात मेहनत करके प्रियंका जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के हाथों को। अभी आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है पिछली टीम के साथ, इसके पहले मैं ऑल इंडिया प्रदेश कारण कुछ नहीं है, जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, जो समाज के समाज जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, काट खेलने की कोशिश हो रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को मुतहिद होकर के कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब कोर्ट से कमजोर हुआ है तो गांधी मजबूत हुआ है और जब गांधी मजबूत होगा तो कोर्ट से कमजोर होगा। तो हम लोग ये जानते हैं और दूसरे हमारे दादा जो बहुत पुराने कांग्रेसी थे उनसे मैंने पूछा था कि कांग्रेस का मतलब क्या है, तो उन्होंने एक अल्फाज मुझसे कहा था कि कांग्रेस मतलब जमहूरियत, डेमोक्रेसी। तो अगर हमारी जमहूरियत निज़ाम मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। और सबसे ज्यादा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ये कोशिश हो रही है कि ये जो भारत देश का जमहूरी निज़ाम है इसको नष्ट और खत्म किया जाए, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमहूरियत का अलमबंदार है, झंडा लेकर बुलंद कर रही है। ऐसे में हम लोग का भी नैतिक दायित्व है कि हर जगह से अपने को हटा करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और इस देश के जमहूरी निजाम। आज कितने लोगों ने सदस्यता लिया है? लगभग 20 लोगों ने सदस्यता ली है, जो कि ऑल इंडिया मजलिस के आदमी मुस्लिमीन के पदाधिकारी रहे जिले में, मैं प्रदेश में रहा हूँ। और मेरा ये मान
मानना है कि किसी लकीर को नहीं मिटाया जाए बल्कि अपनी लकीर बड़ी कर दी जाए, तो मैं किसी पार्टी के आक्षेप और बुराई में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस में हूँ और इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ कांग्रेस को मजबूत करूंगा और फांसीवादी निगाम को मजबूत टक्कर दूंगा।